नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़ यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तमाम पार्टियां एरी चोटी की ताकत लगा रही है और इस बीच में इस रेस में सबसे आगे इस वक्त कांग्रेस पार्टी है जो तीन दशकों से अपना खोया हुआ वजूद को वापस लौटाने की कोशिश में लगी हुई है लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस जिस उम्मीदवारों की सूची तैयार कर चुकी है आखिर उसे पब्लिश करने में उसे लोगों के सामने रखने में हिचकिचा क्यों रही है ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर लगातार वो तमाम चीज़ तैयार भी हैं एक से एक ऐलान कर दिए गए हैं एक से एक वादे कर दिए गए हैं इसके बावजूद उम्मीदवार की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है लेकिन अभी तक इसे पब्लिश नहीं किया गया इसे अभी तक लोगों के सामने नहीं रखा गया है आखिर इस हिचकिचाहट की क्या वजह हो सकती है ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम जो जिम्मेदार नेता हैं उनसे बेटर कोई जान नहीं सकता लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पे लगातार अखिलेश पर हमला भी बोल रही हैं तो सवाल ऐसे में ये है कि क्या ये बात अब मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी का किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा लेकिन वहीं कांग्रेस कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनके बयान को देकर ये उम्मीदें लगाए जा रही हैं कि शायद अभी चार से पाँच महीने बचे हुए हैं तो इस बीच में किसी भी पार्टी का गठबंधन हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी सपा की पार्टी और बसपा की पार्टी या फिर तमाम जो और भी पार्टियाँ हैं जो बाहर से आई हैं एम की पार्टी है या फिर आम आदमी पार्टी तो अगर इनका पा गठबंधन होता है तो कितना फर्क डाल पाएंगे योगी सरकार पे और नहीं होता है तो क्या अकेले ये लोग क्या कर सकते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन सवाल ये है और जो लाजमी है कि प्रियंका कांग्रेस पार्टी जो दाव प्रियंका गांधी पे लगाई है कांग्रेस पार्टी जो रिक्स प्रियंका गांधी पे लिया है तो आखिर उसके बाद अब उम्मीदवारों के लिस्ट जारी उम्मीदवारों के लिस्ट तैयार होने के बावजूद आखिर उसको जारी करने में हिचकिचाह क्यों रही है क्या किसी और पार्टी का वेट है या किसी और पार्टी के उम्मीदवारों को लिस्ट जारी करने के बाद वो करेंगे बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब प्रियंका गांधी को देना ही होगा लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मुद्दों को लेकर वो जवाब दे रही हैं प्रज्ञा यात्रा भी कर रही हैं कलवारा बंकी गई महिला किसानों के साथ उन्होंने खाना भी खाया जो तमाम तस्वीरें हम सब बीच आई अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है फिलहाल जिले इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहे आई न्यूज़ नमस्कार